नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका खास प्रोग्राम प्रियंका स्पेशल। भाई आज का ये खास प्रोग्राम एक बहुत ही दुखद भरी खबर के साथ शुरुआत हो रही है। आज हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही होनहार, बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेस की बात जिनकी बात करने वाली हूँ, उनका निधन हो चुका है। जी हाँ, भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस मनीषा राय की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। आपको बता दें, इनका निधन हो गया है और इससे जुड़ी बड़ी खबर ये अभी सामने आ रही है। बलिया जिले के मनियार थाना क्षेत्र के बस हीरा मनियार मार्ग पर चितौनी गांव के पास सड़क दुर्घटना में भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री मनीषा राय 45 की जो कि इनकी उम्र 45 वर्ष थी, उनका निधन हो गया है। पुलिस अधीक्षक SP गांगुली ने बताया कि वाराणसी निवासी मनीषा राय भोजपुरी फिल्मों की छोटी अभिनेत्री थी। वे एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में सहयोगी संजीव मिश्रा के साथ बाइक पर सवार होकर मनियार जा रही थी। अभी अभी ये बड़ी खबर सामने आई है, अभी ये बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आई है और कहा ऐसा जा रहा है कि ये एक सड़क हादसा है जहाँ पर इनका निधन हो गया है। आगे इनसे ही जुड़ी खबर आई है। आपको बता दें, उन्होंने बताया है कि बाइक बसिहाग से चितौनी के पास पहुंची थी कि बलिया की ओर से जा रहे कार ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी। इस हादसे में अभिनेत्री के मौके पर ही उनका निधन हो गया और बाइक चालक घायल हो गया, जबकि कार चालक मौके से ही फरार हो गया है। इस खबर के सामने आते ही भोजपुरी कला क्षेत्र और फिल्मी जगत के शोक की लहर दौड़ गई है। बिल्कुल ऐसा लगता है साल 2018 ही बहुत ख़राब तरीके से इसकी शुरुआत हुई है। बहुत सारे ऐसे दुखद खबरें जो है वो आ चुकी है। इससे पहले हमारे बॉलीवुड के तमाम बड़े जो सितारे हैं, उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था, जिसमें से एक राजेश खन्ना भी हैं, माफ़ी चाहेंगे, इसमें से एक हमारे श्रीदेवी भी हैं, और भी बहुत ऐसे तमाम कलाकार हैं, बहुत तमाम ऐसे बड़े बड़े एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने उनका निधन तो हो गया है लेकिन उनका जाने के दुख अभी भी शायद इंडस्ट्री भूल नहीं पाया है। और फिर से देखिए, एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। इसके अलावा इन्हें लेकर कहा जा रहा है कि वरिष्ठ पत्रकार निराला ने इस मामले में शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि कहाँ चल गेलू मनीषा राय, तोहार बहुत जरूरत रहे, तोहार घर परिवार इष्टा मित्र के तो तोहार जरूरत रहवे करे, पूरा भोजपुरी और पूर्वैया समाज के तोहार जरूरत रहे, सब एक टकटकी लगा के देखत रहे, पूरा भोजपुरी सिनेमा के बजबजाहट से निकले के एगो नया रास्ता तू बनवले रह लो। लेकिन उसी के साथ उन्हीं मैथिली और भोजपुरी की गायिका चंदन तिवारी ने शोक संवेदना व्यक्त की है। मनीषा सिर्फ एक बेजोड़ अतुलनीय एक्ट्रेस भर नहीं थी, जी हाँ, कोहबर की हीरोइन के रूप में हम आज भी उन्हें जानते थे। मनीषा राय एक नरम दिल, जिंदा दिल और सहज और बहुत ही सरल इंसान थी, और ये बात वाकई में इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इनकी खूबसूरती और इनका जो लड़कपन है, इनका जो बयानबाजी है, ये शायद हर किसी के दिल को छू जाएगी, हर किसी के दिल पर दिल को ये बातें याद रहेगी कि आखिरकार क्यों इस तरीके से इतनी बहुत ही शानदार एक्ट्रेस, बहुत ही इनके गाने के, इनके एक्टिंग के, इनकी कलाकारी का शायद कोई तोड़ नहीं था। लेकिन कहते हैं कि जब दुनिया में हम आए हैं तो हमें जाना है, और इस तरीके से अचानक चले जाना तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इससे पहले भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिनका निधन, जिन्होंने दुनिया को अलविदा कहा है, उनका ये राज आज भी राज बना हुआ है। इससे पहले हमारे भोजपुरी की तमाम और भी ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने दुनिया को अलविदा कहा है। हाल ही में भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर शाह खान ने भी खुदकुशी की थी, जिसके बाद पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री शोक में था, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री सदमे में था, और उस सदमे से अभी हम उभरे भी नहीं थे, उस सदमे से अभी हमें पता भी नहीं चला था कि फिर देखिए अचानक से एक और ऐसी दुखद भरी खबर सामने आ गई है। और आज के और अभी का देखा जाए तो शायद इस खबर पर किसी को यकीन नहीं हो रहा, कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी में ऐसे कैसे हो गया, क्यों इतनी बड़ी खबर, क्यों ऐसी खबर एकदम से सुनने को मिली है, क्यों ऐसी खबर एक बार जानने को मिली है।
और इससे पहले भी आपको बता दें भोजपुरी इंडस्ट्री की और भी तमाम ऐसी हीरोइने तमाम ऐसे कलाकार हैं जिनका निधन हुआ है, लेकिन इतनी अचानक तरीके से किसी की तरफ से इतना रिस्पांस आ जाना ये बहुत ही दुखद खबर है। अगर जो बात करें मनीषा की, तो ये बहुत सी फिल्मों में काम की है, बहुत सी फिल्मों में ये नज़र आई हैं। इसके अलावा अगर जो करंट की बात करें तो इन्हें एक बहुत ही खूबसूरत दुल्हन के रूप में जाना जाता है, बहुत ही खूबसूरत दुल्हन के रूप में, जैसा कि इन्होंने बताया ही कि एक कोहवर के रूप में इन्हें जाना जाता है, एक कोहवर की हीरोइन जिसे कहते हैं शादीशुदा, चाहे आप कोई गाना ले लीजिए चाहे आप कोई फिल्म ले लीजिए, उनके तौर पर इन्हें जाना जाता है। और इन्हें इसी वजह से शायद इनका निधन आज भले ही तेज उसमें ना हो, लेकिन हाँ देखिए यहाँ पे भी हमारे पास लिखा है भोजपुरी में बनी शॉर्ट फिल्म कोहवर में चर्चा में रही थी। इनका ये जो रोल था कोहवर फिल्म में वो बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में था और इसी वजह से इनको अलग से मिली है। इसके अलावा आगे जो अगला जो अपडेट हमारे पास आया है उसमें कहा जा रहा है कि अभी पुलिस ने एम्बुलेंस में उनको जिला अस्पताल भिजवाया है, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। परिजनों ने मनीषा राय का अंतिम संस्कार शनिवार दोपहर बरौली गंगा घाट पर किया है। वहीं पर पुलिस की ने मौके पर दुर्घटनाग्रस्त बाइक को अपने कब्जे में ले लिया है और जो उनकी जो बॉडी है उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों को पुलिस वाले ने हादसे की सूचना दी थी। हादसे की जानकारी होने के बाद भोजपुरी फिल्म से जुड़े तमाम कलाकार जो हैं वो इस चीज़ को बयां नहीं कर पा रहे। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो पा रहा कि अचानक से इतनी बड़ी घटना कैसे घट सकती है, अचानक से इतनी बड़ी घटना कैसे सामने आ सकती है। और शायद हम और आप दोनों, हम भी दर्शक भी और स्टार्स जो भोजपुरी स्टार हैं वो भी अभी सदमे में हैं, वो भी शायद इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे कि अचानक से जो कि अपने फिल्म के शूटिंग पर ही जा रही थी, अभी उनको बहुत कुछ करना था, बहुत ही कम उम्र थी उनकी, उन्होंने शायद अभी पूरी अपनी उड़ान भी नहीं भरी थी जितना उन्होंने सोच रखा था, लेकिन देखिए अचानक से उनका जो निधन हुआ है वो हर किसी के लिए एक बहुत ही बड़ा सवाल छोड़ गया है मन में। एक शायद मुझे लगता है कि जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके फैंस हैं, वो आज भी सदमे में होंगे कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, आखिरकार इतना अचानक से इतनी बड़ी खबर भोजपुरी इंडस्ट्री में फैली है आग की तरह, जिस पर हमें और आपको यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। मुश्किल इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में, जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट में बताया कि ये अभी ये अपनी फिल्म के सिलसिले में ही जा रही थी, यानी कि अभी हाल ही में इनकी फिल्म की शूटिंग ही चल रही है, अचानक से इनका निधन हो जाने के बाद अब देखिए इनका जो फिल्म से जुड़ी जो जानकारी थी वो अभी तक आ रही थी और अब अचानक से इनके निधन की खबर आ गई है। मैंने आपको बताया इससे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में और भी बड़े ऐसे सितारे हैं जिन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। बॉलीवुड के तमाम ऐसे सितारे हैं जिन्होंने दुनिया को अलविदा कहा है, लेकिन हर किसी का निधन, उनके दुनिया से जाने की बात है वो हर किसी को सदमे में लग रही है, हर कोई यकीन कर पाना ऑन द स्पॉट मुश्किल हो पाता है। हाल ही में हमने बताया श्रीदेवी का भी निधन कई सवाल लोगों के मन में छोड़ गया है, जो अभी तक किसी को उस सवाल के जवाब नहीं मिले हैं। अचानक से भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर शाह खान का जो निधन हुआ उसके बाद भी लोग उन पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसी समय उनकी फिल्म भी रिलीज़ होने वाली थी, कल्लू की फिल्म थी जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया था। उनका भी निधन दुनिया से चले जाना अचानक से कई सवाल उनके पीछे छोड़ गया है, जिसके जवाब हमें अभी तक मिले नहीं थे। और देखिए अचानक से फिर एक और ऐसी दुख भरी खबर हमारे सामने आ गई है। अब देखते हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जो इनके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं, और आखिरकार हमारे कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जो इनके निधन पर कौन क्या बयान देता है। फिलहाल दोस्तों आज के खास प्रोग्राम में इतना ही, आज मैं आपके प्रोग्राम पर यहीं विराम लगाती हूँ और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, और साथ ही साथ हम चाहेंगे और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मनीषा राय को उनकी आत्मा को शांति मिले, और भोजपुरी इंडस्ट्री में दुआ करेंगे कि फिर से ऐसी कोई घटना ना घटे किसी के साथ, कि हर कोई सोचने पर समझने पर मजबूर हो जाए और हमें एक अच्छे कलाकार, एक अच्छे इंसान को खोना पड़ जाए।
खैर दोस्तों, आज के खास प्रोग्राम पे यहीं लगाते हैं विराम। कल मैं आपके सामने भोजपुरी की नई खबर के साथ हाजिर होंगी। तब तक आप हमारा चैनल देखिए, नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।